फ्रेंड्स तो ये देखिए आज के हमारी मॉर्निंग की शुरुआत मैं आपको बता रही हूँ तो ये अभी मेरे जो है ना कज़िन ब्रदर इन लॉ थे ना मेरे देवर उन्होंने ना पूरी भाजी लेकर आ गए थे तो अभी हम पूरी भाजी वग़ैरह खा रहे हैं और इसी के साथ में ना बच्चों को और हम सब भी ना फ्रेश हो जाएंगे अब मैंने आपको बताया था ना कि बस हमें लेट छोड़ी थी एक बजे के बाद तो इसके लिए थोड़ा टाइम हमारा वेस्ट हो गया है और बाकी जो यहाँ घर के जितने भी मेम्बर्स थे तो वो लोग तो सब चले गए हैं क्योंकि प्रोग्राम यहीं पर था छिलेगा तो इसके लिए वो लोग पहले हॉल में चले गए हैं और ये देखिए यहाँ का बाहर का एरिया वगैरह सिंक एरिया है और यहाँ पर बाथरूम है वॉश बेसन है और यहाँ पर अभी हम हमने ना ब्रश वगैरह वॉश करके रखे हैं और यहाँ पर है ना नमाज वगैरह पढ़ते हैं और ये बच्चों की ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसके लिए झोली बांधे हुए है झूले की और ये रहा फ्रिज ये रहा किचन हमारा किचन का मैं पूरा वीडियो आपको है ना नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी अभी बिकॉज़ हमें लेट भी हो रहा था तो इसके लिए मैंने बोला चलो वीडियो है ना रफली फटाफट बना लेते हैं और जोहेब और जैन न काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और ये भी हमने ना बैग ओपन किए थे और पूरा ऐसी मैसी पड़ा हुआ है फटाफट हमें रेडी होके निकलना है ना तो मैंने बोला चलो आने के बाद में पूरा अच्छी तरीके से तय करके रख लेंगे और जुहेब को और जैन को ना मैं डांटी दे रही थी कि एक बाजू शांति से बैठो बोल के और काफ़ी मस्ती कर रहे थे वो लोग और ये यहाँ पर ऐसे चेयर वगैरह डाल के बैठने के लिए है और इसके बाहर है ना यहाँ पार्किंग वगैरह का है जो भी मेरे है ना देवर वगैरह है ना दो उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं यहाँ पर रात के टाइम में और ऊपर जो है वो टेरेस है और ये इनका बड़ा गेट मेन जो गेट है वो लगा हुआ है और इसी के लेफ्ट साइड में ना छोटे छोटे पौधे वगैरह झाड़ लगे हैं और ये देखिए मैंने आने के टाइम में ना आइकॉनिक की मशीन स्ट्रेटनिंग uh, मशीन जो थी वो मंगवाई थी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड की थी तो मुझे थ्री हंड्रेड डिस्काउंट करके साढ़े चार हज़ार में मिली और मैंने ये ईद वाला ड्रेस पहनी हुई थी पाकिस्तानी सूट तो ये दोनों ईयरिंग में से मैं कन्फ्यूज़ थी कि कौन सा पहनूँ तो लास्ट में ना हस्बैंड ने मुझे बताया कि है ना ये वाइट कलर की ही ज़्यादा जाएगी तो आप ये वाला पहन लो और ये देखिए ये पूरा मेरा है ना वैनिटी ओपन हो चुकी है वैनिटी बॉक्स की और फटफट -फट अभी मुझे ना पूरा रेडी होना है और रेडी होकर निकलना है लड़कियों का तो आपको पता ही होता है कि फंक्शन वगैरह में जाने कितना टाइम लगता है फिर भी है ना जहेब होने के बाद से मैं फटाफट मतलब रेडी हो जाती हूँ जो भी मेरे काम रहते हैं ना तो मैं सोचती हूँ चलो जल्दी निपटा लो वरना ना ज़ुहेब है ना परेशान करता है और जैन को ना मैंने मेरे देवर के साथ में आगे भेज दी थी और मैं और जुहेब अभी है ना हस्बैंड के साथ में जा रहे हैं और हस्बैंड जो है गेट लॉक कर रहे हैं और पहला वाला गेट तो हमने लॉक कर दिया, अभी बाहर निकल रहे हैं और ये मेरे देवर की एक्टिवा इन्होंने रख लिए थे कि हमें ट्रैवल के लिए बाहर ही ना पड़े बोल के क्योंकि यहाँ ना ऑटो स्टैंड थोड़ा दूर पर है तो इसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं एक्टिवा से ही तुम्हें ले कर चलता हूँ और ये माशाला से देखिए बाहर से घर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है और अभी जैब हम लोग सब निकल गए हैं और ये मैं आपको गांव की गलियों से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ देखिए माशाल्लाह से यहाँ के घर वगैरह यहाँ के रोड्स हैं ना थोड़े चौड़े चौड़े रहते हैं और अभी हम फाइनली हॉल में पहुँच चुके थे और जैन और हसबैंड तो ना नीचे जेंट्स का अलग लगा हुआ था लंच का और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे है दोपहर के टाइम में होते हैं और जैन अभी नीचे खाना खाने गया है इनके साथ हस्बैंड के साथ और मैं और जोहेब बैठे हैं जोहेब के मैं फ़ोर्स कर रही थी लेकिन फिर भी है ना दो तीन बाइट लेके छोड़ दिया था ये मटन की बिरयानी वगैरह बनी हुई है इसी के साथ में ना मीठा वगैरह था और ये जो मैंने आपको बताई थी ना ड्रेसेस वगैरह मैं लेकर आई थी तो वो साथ में लेकर आई हूँ गिफ्ट करने के लिए यहाँ पर और ये ना बैगन की सब्ज़ी थी ये देखिए ये बैगन की सब्ज़ी थी और इसी के साथ में ना यहाँ पर मटन वग़ैरह का भी सूखा था और ये देखिए ये बैगन की सब्ज़ी है और वो रेड वाला मटन का सूखा है और यहाँ पर बिरयानी वगैरह रखी है और चिकन थोड़ा फ्राई किया हुआ था और जो जैन है ना नीचे खाना खाकर आ गया था तो जोहैब को परेशान कर रहा था कि मैंने देखो तो आइसक्रीम खाया हो तो मैं उसे वही डाँटी देखे भगा रही थी कि चलो तुम नीचे जाओ बोल के और प्रोग्राम तो ऐसे भी नीचे ही होना है हम बस खाना खाने के लिए ऊपर आ गए थे और ये दोनों का आउटफिट देखिए जैन और जहेब का माशाला से कितने प्यारे लग रहे थे और मैंने ज़्यादा ना इन्हें हैवी वगैरह ड्रेसेस नहीं पहनाई थी नॉर्मली ही पहनाई थी और जैन की जो पैंट थी ना मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी वाइट कलर के साथ में ब्राउन कॉम्बिनेशन और दोनों को ना मैंने नॉर्मली पहनाई थी ज़्यादा इधर मैं हैवी नहीं कैरी कराई थी और ये देखिए यहाँ का मैं आपको इंटीरियर दिखा रही हूँ ये एक्चुअल में छिले का प्रोग्राम था ना तो इसके लिए बलून वगैरह से और थोड़ा सी झूला वगैरह है ना डेकोरेट करके इन्होंने प्रोग्राम किए थे क्योंकि है ना बच्चों का तो यही अच्छा लगता है और जैसे शादी वगैरह का टाइम होता है तो उसमें हम थोड़ा हैवी डेकोरेशन कर लेते हैं और बच्चों की तो मेन बलून से ही मतलब उनकी जो जान होती है बच्चों में बलून से ही ज़्यादा अच्छी लगती है और यहाँ पर है ना कुछ बच्चों की पिक्स वगैरह भी रखी थी जिसका छिल था ना तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी थी अभी जैसे ना न्यू बोर्न बेबी है ना वो जस्ट हार्डली वन एंड हाफ मंथ का है तो इसके लिए मैंने उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं ली और यहाँ पर है ना जैसे पेरेंट्स को बिठाकर ड्रेसेस वगैरह देते हैं जो भी हम गिफ्ट्स लेते हैं ना तो वो दिया जाता है अभी यहाँ का हमने प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में ना निकल गए और अभी हम जा रहे हैं जो मैंने आपको बताई थी ना मेरी सिस्टर इन लॉ थी उनकी लड़की की शादी है तो वहाँ पर आ है ना मेहंदी का प्रोग्राम है मतलब मेहंदी बोले तो ऐसे वो वाली मेहंदी नहीं जैसे हम हल्दी मेहंदी करते हैं नॉर्मली जैसे ये लगाते हैं ना घर में फैमिली एंड फ्रेंड्स मिलके तो वैसा प्रोग्राम है तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से ना घर वगैरह मुझे ना कोई कोई घर तो इतने प्यारे बने होते हैं ना इतने बड़े बड़े रहते और इतने प्यारे बने रहते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं बॉम्बे में तो इतने बड़े घर तो रहते ही नहीं है और यहाँ पर है ना अभी हम आगे जा रहे हैं और फाइनली हम जो है पहुँच चुके थे तो यहाँ देखिए और मेरी जो ना जेठ है उनके बच्चे मेरी ननन के बच्चे सब बॉम्बे से ना वो लोग पहले ही आए हुए थे तो वहाँ पर है ना सब एक दूसरे से मिलके ना बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और जैन को मैंने थोड़ा ना मैगी बना के दे दी थी और यहाँ पर इसी के साथ में ना और यहाँ पर है ना अभी पोहा वगैरह बन रहा था यहाँ पर है ना हल्दी मेहंदी के टाइम है ना पोहा वगैरह दिया जाता है और पूरी वगैरह भी सब बन रही थी लड़की को है ना शादी वाले दिन है ना विदाई के टाइम है ना पूरी वगैरह बॉक्स में टोकरी में जैसे मतलब आपको पैक करना हो वैसे पैक कर कर देते हैं ये देखिए और ये सारी चीज़ें ना चार दिन से ये लोग लगे हुए थे मेरी जो इन लॉज की फैमिली थी ना तो वो चार दिन से लगे थे हम तो यहाँ पर खैराजी पहुँचे हैं और यहाँ पर सारा है ना राशन वगैरह का सामान रखा हुआ है जैसे लहसन हो गया वो सब हो गया और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में बनाए थे और सेंग वगैरह भी है ना सब भून रहे हैं पोहे बनाने के लिए और यहाँ पर जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना उनकी देवरानी है तो वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा मतलब काम वगैरह कर रहे थे सब रेडी कर रहे थे और यहाँ पर अभी है ना ये कुछ इनके लैंग्वेज में ना पूरी या पता नहीं कुछ कहते हैं इसे थोड़ा तीखा टाइप रहता है वो फ्राई करके निकाल रहे थे और ये सब देखिए बन के रेडी है ये सादा वाला येलो कलर का है ना वो सादा वाला है बाकी सब है ना भरी हुई पूरियाँ हैं और ये देखिए लाइटिंग वगैरह मंडप तो खैर मेहंदी के दिन स्टार्ट किए थे मंडप बनना और यहाँ से पूरी लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है ये देखिए माशाला से ये उनका ऊपर का घर है ना वो रेंट पर दिया हुआ है और नीचे वो लोग रहते हैं और ये देखिए ये यहाँ का बाथरूम सेट आया हुआ था इनका अभी जस्ट है ना जो मेरी सिस्टर है ना सिस्टर इन लॉ बाजी मैं कहती हूँ उन्हें तो उन्होंने ना अभी जस्ट बाथरूम सेट वगैरह थोड़े से टोप वगैरह लाए थे तो सब बच्चों ने निकाल के ना पूरा बिखरा दिए थे और ये देखिए ये जो मैं पोहा आपको बता रही थी ना सब रेडी हो रहा था जिसके लिए सेंग वगैरह सब भून रहे थे तो वो अभी पूरा फ्राई कर दिए है और इसी के साथ में ना सूखा पोहा मिक्स कर रहे हैं और यहाँ पे ना पोहा एकदम पतला पतला आता है तो इसमें ना चूड़ा बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए अच्छे तरीके से सब दो से तीन लोग मिलकर ना पूरा मिक्स करें तो क्योंकि काफ, काफी काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना क्वान्टिटी में था ये छः किलो के अब हुआ था इतना ज़्यादा मतलब है ना पूरा मिक्स करने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी इतना ज़्यादा क्वांटिटी थी क्योंकि जितने भी मेहमान आते हैं ना हल्दी में तो वो लोग ये ना ये और पूरी इसी के साथ में पूरा सर्व करते हैं एज अ मतलब स्नैक्स के हिसाब से नाश्ते के लिए बाद में रात में खाने का जो प्रोग्राम होता है वो अलग रहता है और ये देखिए सब अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे थे काफ़ी मतलब है ना टाइम जा रहा था इसे मिक्स करने के लिए क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही मतलब एहतियात से मिक्स करना था और ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ना जो इसका मसाला होता है ना वो हाफ हाफ कर कर करके डाल रहे थे ताकि मतलब एक ही जगह इकट्ठा ना हो जाए और ये देखिए ये रहे मेरे कज़िन देवर एक है ब्रदर इन लॉ तो उन्होंने आ गए थे मिक्स करने के लिए क्योंकि ना लेडीज़ का ना पूरा हाथ दुखने लगा था इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर से इसे मिक्स करना था तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ला दो मैं मतलब हेल्प कर देता हूँ बोल के तो इसके लिए ना वो बेचारे पूरा अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर रहे थे ये आप देख सकते हो नीचे का तो प्रॉपर मिक्स हुआ ही नहीं था तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक का ना उलट पलट करके पूरा मिक्स कर रहे थे अच्छे से और काफ़ी मतलब है ना यहाँ गांव की शादियों में तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हमारे यहाँ कैसे बॉम्बे में इतना ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं होती ज़्यादातर बुफे सिस्टम होता है खाने वगैरह में हल्दी मेहंदी में खाना बाहर से आ जाता है बट यहाँ पर है ना ऐसे नहीं होता है बहुत ज़्यादा मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत होती है यहाँ पर और ये देखिए कितना अच्छी तरीके से इन्होंने मिक्स कर दिए और इसी के साथ में ना हम अभी निकल रहे थे बच्चों को थोड़ा ना प्यास लगी थी तो हमने सोचा चलो थोड़ा सोडा वगैरह पी कर आते हैं तो अभी हम वही निकल रहे हैं सोडा वगैरह पीने के लिए और आलिया और जो, जो जोया थी मेरी जेठ की और ननन की लड़की वो भी ज़िद कर रहे थे तो लेकिन हमने क्या किए थे ना जैद को ले लिए थे मेरी ननन के लड़के को तो अभी और जगह भी नहीं थी स्पेस भी नहीं थी तो हमने बोला चलो अभी एक बच्ची को लेंगे तो दूसरी रोएगी तो इसके लिए उन दोनों को छोड़कर आए थे जैन और जैद को हमने लेकर आए थे साथ में और जो है भी देखिए साथ में ही हमारे आया हुआ है और यहाँ भी हमें ना यहाँ पे गांव में ना सोडा बहुत अच्छा टेस्टी मिलता है तो मैंने ना मेरे देवर के साथ में ही आ गई थी सोडा पीने के लिए मेरे हस्बैंड मेरे देवर और ये बच्चों को हम साथ में लेकर आए थे तो वही अभी हम थोड़ा इंजॉय रहे हैं जो ये ना सबके इसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहा था पहले हस्बैंड के इसमें से टेस्ट किया तो उसे अच्छा नहीं लगा हस्बैंड है ना थोड़ा खारा टाइप लेते हैं और मैं और जैन जो है ना वो थोड़ा स्वीट टाइप लेते तो इसके लिए हमारे में से ना ले लेता है वो और यहाँ पर इनकी मशीन में ना ये बॉटल सोडा नहीं था तो डायरेक्ट मशीन में से ही बना के दे रहे थे और बहुत सारी जगह तो बॉटल सोडा होता है और इससे ज़्यादा लेकिन है ना इसका टेस्ट ओके ओके था और हमने ना पहले यहाँ गांव में बॉटल सोडा पिए हुए थे उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो अभी वही हम सोडा इंजॉय करें यहाँ पर अभी ये आप देख सकते हो मैं सबने तो ले लिए थे मैं और जैन बाकी है खाली बाकी सब ने ना सोडा ले लिए थे मैं और जैन का मतलब थोड़ा अलग बन रहा था क्योंकि हम थोड़ा मीठा टाइप पीते हैं ना इसके लिए और ये देखिए ये रहा हमारा सोडा और मुझे और जैन को भी ना सोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड भी मेरे पीते हैं लेकिन वो वही मसाला वगैरह का और ये देखिए यहाँ पे सारी शॉप यहाँ पर आपको ना ऐसे लगेगा नहीं कि आप कोई गांव में आए एज अ सिटी जैसे ही है ये ज़्यादा एकदम विलेज का फीलिंग नहीं आएगा आपको हाँ यहाँ से अभी हम लोग एक दो जगह जाने वाले हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा फील हो सकता है विलेज टाइप का लेकिन यहाँ पर तो नहीं है और अभी हम निकल रहे हैं और मेरे देवर है और मेरे हस्बैंड हम सब निकल रहे हैं अभी घर जाने के लिए अभी हम जा रहे हैं फिलहाल तो दुल्हन के ही घर पर फिर देन उसके बाद में जो मेरी आ, मामी सास है मेरे तो उनके यहाँ पर हम जाएंगे और ये देखिए ये जो पोहा बना रहे थे आपको मैंने बताया था तो ये मेरी जो खाला सास है वो अभी देखिए पूरा ये बता रहे मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं कि ये अभी ना हल्दी के दिन सब मतलब जितने भी मेहमान आएंगे तो उन सबको ये दिया जाएगा साथ में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना हुआ है और ये देखिए यहाँ का पौवा जो मैंने आपको बताई थी बहुत ही ज़्यादा पतला है और हमारे यहाँ तो बॉम्बे में तो जल्दी इतना पतला पौ मिलता नहीं है इसका चूड़ा लेकिन बहुत अच्छा बनता है और अभी मैं बच्चों के और मेरे ड्रेस चेंज कर रही हूँ थोड़ा ना यहाँ पर लाइटली सा एक प्रोग्राम कर रहे हैं घर में ही सब फैमिली मिल हल्दी का तो इसके लिए मैंने सोचा चलो बच्चों के भी कपड़े है ना हैवी है तो दाग वगैरह लगकर ख़राब ना हो जाए और ये देखिए ये यहाँ पर चिक्सा वगैरह है गजरा है पान है सुपारी है तो ये भी ना ऐसे लाइटली सा अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हल्दी का और बच्चों के भी कपड़े मैंने चेंज कर दी हूँ मेरी भी मैंने चेंज कर दी साथ में और है ना मेरी जो खाला सास थे वो मुझे कह रहे थे कि चलो रोज तो हम कर ही रहे थे दो तीन दिन से आज तुम आए हो तो मुझे कह रहे हैं कि तुम करो बोल के और इसी के साथ में ना यहाँ पर हल्दी भी लिए हुए थे और वही अभी मैं बैठ रही थी प्रोग्राम तो के लिए क्या हो तो रही है आ, शादी हो रही किसकी शादी हो रही किसकी शादी हो रही दिखे। दिखे। और अभी हमने हल्दी की छोटी सी रस्म कर दिए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हाँ पर है ना बिरयानी बनाए थे और जितने भी मतलब हम पूरे फैमिली वाले हैं ना तो सब यहाँ बैठ के खाएंगे और ये तो बाहर से इन्होंने रेडीमेड लेकर आए थे माशाल्लाह का ये लड़के के लिए जब बरी भेजेंगे ना तो उसका थाल रेडी हो रहा है और इसी के साथ में ना यहाँ पर देखिए ये सब सुरमा वग़ैरह है और अतर है बहुत सारी चीज़ें जो हम बरी में भेजते हैं चिक्सा वगैरह और ये माशाल्लाह का तो दो था एक लड़की का था और एक लड़के के लिए है तो लड़की का जो है वो थोड़ा छोटा साइज़ में है और लड़के का है वो बड़ा है और जो मेरी ननन थी यहाँ फ़्रीन सिस्टर इन लॉ वो भी बैठे थे पूरा थाला रेडी कर रहे थे और ये देखिए ये मुस्कान बता रहे मुझे मैंने उनको बोला कि बताओ ज़रा और क्या डिज़ाइनें बन रही है और इसी के साथ में ना वो जो सुरमा था तो मैंने मेरी ननन से कहा कि उनका ना साइड का पोस्टर डिलीट सॉरी कट कर दीजिए बिकॉज वो अभी लड़के को भेज रहे हैं तो पूरा उसके ऊपर ना लड़कियों के पोस्टर्स थे तो इसके लिए मैंने वो कट करवा दी उनसे और है ना ये जो थाल था ये भी रेडीमेड था सिल्वर कलर का बड़ा प्यारा लग रहा था और इसी के साथ में यहाँ देखिए टोपी वगैरह है बहुत सारी चीजें थी तो सब रेडी कर रहे हैं और भी इसके साथ में बहुत सारे सामान जाएंगे और ये देखिए ये है ना लड़के के लिए दे रहे हैं कमर के ऊपर बांधने के लिए यहाँ पर मतलब गांव का ना ऐसा रिवाज होता है ये सारी चीज़ें मतलब प्रिपेयर करके देना करना और जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी ना कज़िन सिस्टर इन लॉ ये पूरा ना वही डिज़ाइन कर रहे थे ये और ये तो इन्होंने घर में ही डिज़ाइन किया पूरे इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं माशाला से बहुत ही प्यारा लग रहा था नज़दीक से और ये खास करके लड़के के लिए है और ये सैलो टिप्स है ना मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जावेद वो पूरा स्टिक कर रहे थाले में ताकि सामान है ना जैसे हम रखे करें तो इधर उधर हिले करें ना और ये सुरमे का भी देखिए जो फ़ोटो था तो वो भी कट कर दिए उन्होंने और बीच बीच में ना जोहेब भी बहुत परेशान कर रहा था आके कभी ये सामान खींच रहा है और सत्रह सौ तो उसके क्वेश्चन रहे मम्मा ये क्या कर रहे हैं किसके लिए पाउडर है किसके लिए काजल है ये कौन लगाएगा बहुत सारे क्वेश्चन करा जा रहा था और ये देखिए ये मेहंदी के लिए रेडी कर रहे हैं ये सारा सामान ये ना आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी जो जो वगैरह होती है ना फ्लावर की हम बनाते हैं ईयर रिंग्स है बिंदिया है ये पूरा उसी के लिए बना रहे हैं तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ की देवरानी है ना तो ये बना रहे हैं थे बहुत ही प्यारा बना रहे थे उन्होंने ना बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए देखिए ये है ना मैं आपको एक फ़ोटो बता रही हूँ ये सब उन्होंने बना के दिए थे और ये जो मेरी मदर इन लॉ थे इन्होंने ना मेरी ननन की बेटी के लिए और उनके एक और है ना पोत्री है उनके लिए ना हल्दी का ड्रेस लेकर आए थे तो वो मुझे बता रहे कि देखो ये कितना प्यारा लग रहा है नीचे गरारा था ऊपर शॉर्ट कमीज था और ये सारी देखिए पूरिया जो हमने बनाई थी ना आपको मैंने बताया था तो बनाई तो मैं नहीं थी खैर उन लोगों ने ही बनाया था लेकिन मैंने आपके साथ में वीडियो जो स्टार्टिंग में शेयर करी हूँ तो ये सारा है ना पूरा क्लीन अच्छी तरीके से पूरा बॉक्स में पैक करे और बॉक्स के ऊपर भी ना सिल्वर पेपर बना रहे थे डिज़ाइन वगैरह लगा के कलरिंग्स पेपर जो होते हैं ना गिफ्ट पैक के वो पूरा रैप करके उसके अंदर पूरी भर रहे थे बॉक्स के अंदर ताकि पूरी है ना जो वो टूटे फूटे ना बॉक्स में सेफ रहे और निके के दिन वो सारी चीज़ें जाएगी दुल्हन के साथ में और ये देखिए ये सब बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए ये रहा अजलान जोया आलिया और सब बच्चों को ना खाना निकाल के दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था और भूख भी लगी थी सबको तो सबने सोचा चलो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और बाकी देखिए अभी तो दो बॉक्स भर के पूरी रेडी हो गई है और ये इतनी सारी माशाल्लाह से अभी बची है ये भी पूरी पैक करना है लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ताम झाम होता है ये सारी चीज़ें घर का काम अलग उसके साथ में ये सारी चीज़ें बन के देना करना और अभी खाना वगैरह भी निकाल रहे थे बाजी जिनकी बेटी की शादी है ना उनको मैं बाजी बोलती हूँ मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बड़े पूरी फैमिली में ना सबसे बड़े हैं वो और ये सारी देखिए ये तो मेरे जहन को ना बहुत पसंद आई थी ये येलो वाली शादी पूरी थी लाइटली मीठी थी हमारे यहाँ पे जैसे प्लेन फीकी पूरी बनाते हैं ना वैसी थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और अभी तक देखिए यहाँ पर इन लोगों का काम चालू है और साथ में हमने ना दुल्हन को भी बिठा दिए थे कि चलो बैठ जाओ तुम भी थोड़ा गप्पे शप्पे हमारे साथ में बातशात करो तो आपका भी टाइम निकल जाएगा और ना अच्छा लगेगा वरना लड़कियों को ना नर्वसनेस बहुत ज़्यादा फील होती है शादी के हफ्ता दस दिन पहले से ना उन लोगों को एकदम ना टेंशन होने लगती है क्योंकि सडनली पूरा माहौल चेंज हो जाता है ना लड़कियों का तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस होती है और वही ये जो उनकी दुल्हन की जो चाची थी वो पूरा बना रहे थे और अभी हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए यहाँ पर क्योंकि ना जुहब और जैन सोएंगे नहीं रात भर जागते रहेंगे सब जन तो मैंने बोला चलो नींद भी पूरी नहीं हुई है और थकान जैसी भी है तभी तो हम निकल गए हैं मेरी मामी सास जो है उनके यहाँ जाने के लिए और हम आए भी थे ना तो उन्हीं के यहीं पर हमने उतरे थे तो अभी थोड़े दिन हम यहाँ रहेंगे इसके बाद में यहाँ से फिर हम वहाँ चले जाएंगे और अभी फाइनली हम पहुँच रहे हैं घर और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा आपको रोज़ शादियों की सारी वीडियो आने वाली है बैक टू बैक तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और देखिए अभी फाइनली हम पहुंच गए घर अब सोने की तैयारी और सबकी गाड़िया भी जो है मेरे दोनों देवरों की पार्किंग में लग गई है और इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय दुआ में ज़रूर याद रखिएगा